कितनी वापस कर रहा है मैं। अध्याय तीन, सरकार क्या है। तो चलिए अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ अखबार की सुर्खियां देख रहे हैं। सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। उसके बाद अलग अलग तरीके के हम लोग यहाँ पे समाचार देख रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग हमारे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, और ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण लेंगे तो सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किस चीज के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाए जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलाती है, और इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। उसके बाद सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। अभी उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य और सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी है, भूकंप है, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता भी है तो, या कोई अपराध भी करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत भी होती है, जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। अगर उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग अपने घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, और वह यह भी नियम बनाती है और निर्णय लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या जानकारी है हमारे लिए। यहाँ पर हम लोग दो चित्र देख रहे हैं। एक है कि कुछ उदाहरण के जो सरकार के अंग है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम यानी भारतीय रेल, जिसका हम लोग अभी चित्र देख रहे हैं। ये सभी हम लोगों की सुख सुविधा के लिए ही बनाया गया है। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, और उसके लिए आपको अपने मानचित्र को देखना है अपने पाठ्य पुस्तक का। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में अगर हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में हम लोग और भी जानकारी लेंगे। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल वही एक तरीका है, मतलब यही एक तरीका है जिसमें सरकार काम कर सकती है, और सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे,
मतलब उनको कानून मानना ही पड़ेगा। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं कि एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, यह हम लोग उदाहरण अच्छी तरह से देते हैं। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या तो फिर जुर्माना भरना पड़ता है। इस तरह से आगे देखते हैं कि सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। आई बात समझ में? तो फिर सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को अगर ऐसा लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय में जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देना कि क्या कदम उसको उठाने की जरूरत है। इस तरह से लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, यही है। उसके बाद एक बार चुन लिए जाने के बाद वही सरकार बनाते हैं, यही सरकार, यही लोग सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी पड़ती है। और एक दूसरी तरफ की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा और रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है और राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह भी होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी कर सकता है और अंतिम जब निर्णय होता है तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। और लोकतंत्र के समान राजतंत्र में भी राजा और रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अभी हम लोग हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत सरकार के स्तर के बारे में लिखिए, ये प्रश्न आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए